हेलो गाइस, तो हम सब चल चुके हैं, हमारी लाइट चालू हो गई है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो दोबारा से, मतलब लास्ट टाइम भी गए थे पर ब्लॉग डन नहीं हो पाया था, तो अब दोबारा से चल चुके हैं। मेरे साथ दोबारा से भाई दोस्त, भाई सारे हमारे दोस्त जा चुके हैं। प्रांशु भाई हमारे, आदर्श भाई हमारा, आदर्श का एक और भाई हमारे साथ जा चुका है, तो पहली बार जाने वाला है, ठीक है। और भी हमारे भाई जो वेट कर रहे हैं, हमारे नोएडा में वेट कर रहे हैं, नोएडा से वो भी आ रहे हैं। तो आज का ब्लॉग रहेगा और कल रात को हम पहुंचने वाले हैं, तो पूरा आज कवर करेंगे और हर चीज दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। तो मिलते हैं। हमारे पास सेफ है यार, सेफ भी है, अकाउंट। अब बारी आ गई थी खाना खाने की, क्योंकि इन सब तो लाए नहीं थे खाना, पूरे 8 बंदे थे हम, जिनमें से मैं ही लेके आया था 8 रोटी जो मेरी मम्मी ने दे दी थी पैक करके। ये अपने होटल की कारीगरी बना रहा है, इसमें सब रोटियों के अंदर सब्जी डाल के रोल बना के दे रहा है, मुझे दे रहा था। पर मैंने कहा प्रांशु तू ले, तेरे को गम भी बहुत है, तेरे को भूख भी बहुत लगी है, तू खा भाई पहले। सब ने खा ली रोटी और अब पा रही थी फीडबैक की। तो प्रशांत, मैंने पूछा फीडबैक, काजू बने बहुत ओके बनाया, हिमांशु बने बहुत ओके बनाया, ये बहुत खुश हो रहा था। पर इनको ये नहीं पता कि उन्होंने खाने की तारीफ करी थी, इसकी नहीं। तो अब इसने अपनी रोटी बचा रखी थी, मेरे को नहीं दी रोटी। पर बहुत अच्छे ऑफिसर हमारे BSF के बैठे हुए थे हमारी सीट पे, उन्होंने अपना खाना दिया, देहरादून से लेके आए थे, हमारे लिए बहुत अच्छा खाना था, बहुत टेस्टी खाना था। अब जो बारी आ चुकी थी हमारी उतरने की, हम रिंगस से 10 किलोमीटर पीछे थे, पर खड़े खड़े मेरे पैरों में हो रहा था दर्द, पर किसी ने मेरे को सीट नहीं दी, मैं खड़े खड़े ही चला गया। आदर्श हंस रहा था मेरे ऊपर बहुत, और प्रांशु बेचारा गम में था। सब ने खाना पीना खा लिया है, अंकल का बहुत धन्यवाद, इन्होंने खाना दिया था, पेट भर के हमने खाना खाया। ट्रेन में और भी बहुत कुछ हुआ, पर उन्होंने मुझे मना किया कि वीडियो ना डाले, तो मैंने नहीं डाला उनकी वीडियो को। ये जो खुशी थी ना हमारी ट्रेन से उतरने के बाद थी, पूरे 7 घंटे बाद हम ट्रेन से उतरे थे। ट्रेन 2 घंटे रेवाड़ी से पीछे बहुत लेट हो गई थी इंजन ख़राब होने के कारण, और काफ़ी मस्ती करी हमें ट्रेन के अंदर। उसके बाद TT भी आ गया था जिसने हमें उठा दिया था सीटों पर से, फिर हम जनरल डिब्बे में दोबारा से जाकर उतर चुके थे अब, और बहुत इन्जॉय किया उसके बाद हमें। सारे भाई ने राम राम, आगे राजस्थान, सीकर राजस्थान आगे, हम खाटू श्याम मंदिर। सारे भाई पूरे 8 भाई लेके आए हैं, आठों भाई ने, प्रशांत भाई हमारे साथ हैं, हर्ष मेरे साथ है, आदर्श साथ है, और काजू भाई हमारे साथ है, काजू भाई और प्राची कैमरामैन मेरे साथ है। और पहुंच चुके फाइनल मंदिर के पास, थोड़ा सा आराम करेंगे, 1 घंटा आराम करने के बाद सर चलेंगे पैदल, सर चलेंगे भाई पैदल। फाइनली आ चुके हैं, 4 घंटे का सफर और 2 घंटे गाड़ी और लेट करके रिंगस सारे भाई पहुंच चुके हैं। इसके बाद आराम करके और 1 घंटे का आराम करने के बाद पैदल यात्रा शुरू करते हैं, चलेंगे ना भाई सारे, बोल जय। ऐसा हो नहीं सकता हमारे पास, तुम्हारे साथ प्रांशु फोटोग्राफर आया, हम फोटो ना खिंचवाएं, तो हम समझ के फोटो शुरू। ये हम आराम किए, नहाए धोए, फोटो खिंचवाना शुरू कर दिया हमने नहाए धोने के बाद। काजू वगैरह मेरी भी खींच दो, इसकी भी खींच दी हमने फोटो। फिर चल दिए हम निशान भवन की ओर, जहाँ पर निशान भवन की करनी होती है पूजा, तो हमने निशान भवन में करी निशान की पूजा और चल दी हमारे यहाँ पैदल यात्रा शुरू। 12 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम चल चुके थे अब तोरण द्वार की ओर, तोरण द्वार पहुँच गए थे। काजू करा मेरी भी फोटो खींच दो, यहाँ भी शुरू हो गया है भाई, ये यहाँ भी फोटो खिंचवा ली अपने अकेले अकेले। फिर सब ने फोटो अपने अपने शुरू करा खींचना, बहुत अच्छी अच्छी फोटोज़ आई, कलेक्शन बहुत अच्छी आई फोटोज़ की, क्योंकि हो क्यों ना कि प्रांशु भाई के पास था iPhone 13, वो कहाँ से आया वो राज नहीं बताएंगे, वो राज खोलना नहीं है। बाकी काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आई थी, प्रशांत भाई कह रहे मैं पीछे नहीं रहूँगा, मैं भी खिंचवाऊँगा। और इसके बाद जो ग्रुप की फ़ोटो आई, धमाकेदार, बहुत अच्छी ग्रुप की फ़ोटो आई थी। ये कुर्ते पजामे का सेशन बहुत बढ़िया रहा था, बस प्रांशु ने नहीं पहना, कोई शादी नहीं थी इसकी, किसी और की होगी शादी। फ़ोटोज़ तो काफ़ी अच्छी आई थी, लो आखिरी में मैं भी आ गया। आखिरकार तोरण द्वार के बाद पहुंच गए हैं श्याम बाबा कुंड, यहाँ भी हम नीचे जाकर एक बार कुंड में हल्के से हाथ पैर धो के स्नान करके निकल जाएंगे आगे की ओर, और चल दिए आगे की ओर। श्याम कुंड में पहुंच चुके हैं, सारे फोटो के पोज में खड़े थे, मैं भी थोड़ा वहम में था कि क्या हो रहा है, पर प्रांशु ने हमारे साथ कर दिया प्रैंक, वो हमारी वीडियो बनाने लग गया जबकि हमारी फ़ोटो नहीं खींची, तो प्रैंक हो गया ख़त्म। इसके बाद हम उसने हमारी 2-3 फ़ोटो क्लिक कर दी थी, फिर हम चल दिए स्नान करने के लिए, एक बार लगा दिया श्याम बाबा का नारा और चल दिए हम
अब मंदिर की ओर, फाइनली मंदिर की ओर निकलने वाले हैं हम। सभी ने स्नान कर लिया, यहाँ पर भी श्याम बाबा का नारा लगाते हुए हम चल दिए हैं मंदिर की ओर। फाइनली हमारा इंतज़ार होने वाला है ख़त्म, हम मंदिर की लाइन में लग चुके हैं। सब ने यहाँ पर भी शुरू कर दिया अपना फोटो सेशन, बस अब होने वाले बाबा के दर्शन। पहले करेंगे रैली कैंप का।